गुड मॉर्निंग एवरीवन, चाय नाश्ता यहाँ पे हाजिर हो गया है। आज नाश्ते में इतना कुछ स्पेशल है नहीं, सिंपल सा मैंने थोड़ा मुरमुरा बना लिया है। मुरमुरा में थोड़ी सी सरसों का तेल मिक्सचर और साथ में थोड़ा हरी मिर्ची चॉप करके डाल दिया है और क्यूकम्बर चॉप करके डाल दिया है। सुबह सुबह ना मुरमुरा खाना अच्छा लगता है चाय के साथ। और यहाँ पे कंट्री डिलाइट से आ गया है दूध और कोकोनट वाटर, जो कि अभी तक किचन में लेके जाना नहीं हुआ, लेके जाऊंगी। यहीं पे टेबल पे ही रख दिया है। एक बार चाय नाश्ता कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दूध भी गर्म करूँगी और कुछ देर बाद कोकोनट वाटर भी पीना है। सो टाइम अभी हो रही है दोपहर के ऑलमोस्ट 1:30 बजे में, 5 मिनट बाकी है, देर ही पकड़ के चलिए। काफ़ी लेट आज मैं ब्लॉग दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के टाइम पे जैसे देख लिया आप लोगों ने कि चाय नाश्ता ख़त्म होने के, मतलब उस टाइम पे हम लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, और उसके बाद इतना ज़्यादा मुझे एक अजीब सा फील हो रहा था ना, तबीयत ख़राब सा, इतना सीरियस कुछ नहीं, बस थोड़ा नौजिया फील हो रही थी और साथ में लेजीनेस भी था। तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए सो के रेस्ट ले लेती हूँ। तो चाय नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैंने दवाई लिया, फिर कोकोनट वाटर पी, उसके बाद मैं चली गई थी बेड पे और मैं एकदम सो गई थी। उसके बाद अभी मैं नींद उठी हूँ और फिर नहा लिया है, अच्छे से शैम्पू वगैरह कर लिया है। देख रही हूँ सौरभ ने लंच वंच सब कुछ बना के रेडी कर दिया है, तो उसने लंच में क्या बनाया है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। जब मैं, बहन, सौरभ, पापा सब लोग मिलकर दुर्गा पूजा का शॉपिंग करने गए थे ना, तो मिनी शो गए थे हम लोग, और मिनी शो से ये सारे फेस मास्क जो है ये हम लोग लेके आए थे। तो ऑलरेडी मेरे बहन के पास जितने सारे थे उसने यूज़ कर लिया था, और मेरे पास भी 2 था, एक मैंने यूज़ किया है और एक यूज़ करना ही नहीं हुआ था। तो ये कुकुम्बर फेशियल मास्क, ये आज मैंने सोचा कि ना इसको यूज़ कर ही लेती हूँ। डेली ना करूँगी करके और फिर होता नहीं, भूल जाती हूँ, तो सोचा क्यों ना आज कर ही लेते हैं। अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा सा एकदम। और अभी ना लास्ट 1-2 दिन से गर्मी भी हल्की फुल्की सी पड़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टाइम पे ही इसको लगाया जाए, बड़ी आराम मिलती है यार। यूजुअली ये सब कुछ मैं रात के टाइम पे ही करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे और कुछ काम होता नहीं है, तो रिलैक्स कर पाती हूँ ये सब कुछ लगा के। लेकिन चलिए अभी मेरा इतना कुछ काम है नहीं, तो सोचा क्यों ना अभी ही इसको अप्लाई कर लेती हूँ। ये सारे कोरियन प्रोडक्ट्स ना, मतलब उन लोगों के आँख छोटे छोटे होते हैं, फेस छोटे छोटे होते हैं ना, तो इंडियन फेस के स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करने में इसको दिक्कत होता है। देखिए मेरा आँख पूरा कवर नहीं हो रहा, हाँ अभी जाके हुआ थोड़ा सा। लास्ट टाइम जो मैंने लगाई थी वो शायद एलोवेरा का था, और ये वाला है कुकुम्बर का। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 15 मिनट, मिलते हैं 15 मिनट बाद, बाय। कुछ दिन पहले ना मैंने सारे पौधे का ट्रिमिंग कर दी थी, मैंने नहीं, बेसिकली नर्सरी से ही मैंने बुक किया था एक माली को। और देखिए स्पेशली ये हिबिस्कस, रोज़ वगैरह सब कुछ ट्रिमिंग करने के बाद नए नए पत्ते तो आए हैं, और आज देख रही हूँ काफ़ी दिन बाद फूल भी आई है। ये देखिए ये रेड वाला हिबिस्कस में काफ़ी दिन बाद फूल आई है। ये ना इतना बड़ा हो गया था ये हिबिस्कस वाला पौधा कि और फूल ही नहीं आ रहा था, सिर्फ ब्रांचेस लंबे होते जा रहे थे। इसको ट्रिमिंग करने के बाद आज पहली बार इसमें फूल आई है ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद, और एक कली भी आई है, ये मोस्ट प्रोबेबली कल खिलेगी। और एक यहाँ पे हिबिस्कस है, ये देखिए इसमें भी काफ़ी सारे नए नए एकदम हरे भरे पत्ते आए हैं, आप देख सकते हो। और एक छोटा सा प्यारा सा फूल भी आई है रेड कलर का, ये भी हिबिस्कस ही है। और रोज़ में भी ट्रिमिंग हुआ था, ये देखिए ये वाला, और इसमें भी काफ़ी सारे नए नए पत्ते आए हैं और कलियाँ भी आई हैं। एक छोटा सा कली तो यहाँ पे है, और एक रोज़ में भी ट्रिमिंग तो भरपूर हो गया था, लेकिन इसमें देखिए ये वाला ब्रांच में अभी तक अच्छे से पत्ता आया नहीं, ये वाला ब्रांच में पत्ता आ गया है और इसमें एक कली भी आई है, मोस्ट प्रोबेबली खिल जाएगी कुछ दिन में। क्या हो गया, आज स्किन केयर हो रहा है, कभी तो नहीं करती हो? ऐसे ही थोड़ा मन हुआ, स्किन केयर और क्या, बस नहाने के टाइम पे फेस वॉश और स्क्रबिंग वगैरह की थी, और ये फेस मास्क भी पड़ा हुआ था, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो उसको अभी जस्ट रिमूव कर लिया है, उसको 15-20 मिनट रखना होता है, और उसमें जो थोड़ा वो लिक्विडी, हाँ वो क्रीम रहता है ना, जेल नॉट क्रीम, तो उसको ही अभी थोड़ा सा मसाज कर ली हूँ। ओह, कल कुछ स्पेशल डे है ना, इसीलिए मैडम को बर्थडे है। नथिंग स्पेशल,
एक्चुअली सच बोलूँ तो इस बार मुझे बर्थडे मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने सौरभ को पहले ही बोल दिया है कि इस बार मेरा बर्थडे मत मनाओ, क्योंकि इस बार ना मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि सामने जो मेरा बर्थडे आ रहा है यानी अपकमिंग ईयर वो कितना स्पेशल होने वाला है। इसलिए इस बार का बर्थडे मैं सोच रही हूँ कि घर पे बैठ के ही आराम से मतलब ऐसे ही मनाऊंगी। अभी कुछ ना कुछ तो होगा ही पक्का। क्या होगा? हाँ देखो अभी क्या होता है। डिड यू प्लान एनीथिंग? लेट्स सी। मुझे लग रहा है नहीं नहीं गाइस ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर होता तो मुझे डेफिनेटली पता चलता, क्योंकि सौरभ इज वेरी बैड एट कीपिंग सीक्रेट्स। उसके पेट में कुछ हजम नहीं होता है, कुछ पचता नहीं है, कुछ भी अगर सीक्रेट होता है ना तो मुझे डेफिनेटली पता चल जाता है। लेकिन इस बार तो अभी तक कुछ पता चला नहीं है, सो आई गेस कि इस बार तो कुछ सीक्रेट है नहीं। क्या है क्या देखते हैं। तो बस ये हो गया है, मसाज भी कर लिया है मैंने। ग्लो आ रहा है क्या? तो अंधेरा होगा ना, इस साइड से देखो ग्लो आ रहा है क्या? Yes. फिर भी देखो ना एक पिंपल आ गया। पता है ट्रस्ट मी, मुझे कभी भी पिंपल वगैरह का मतलब मेरे स्किन में ही कोई इशू है ही नहीं, बस डार्क सर्कल है रात जागती हूँ इसलिए, और बाकी पिंपल वगैरह कुछ होता ही नहीं है मुझे। लेकिन पता नहीं क्यों परसों देख रही हूँ कि यहाँ पे एक मोटा सा पिंपल आ गया था, और फिर मैंने इसको थोड़ा स्क्रबिंग वगैरह किया ना तो ये तो अभी इसका जो मुंह है ना ये ओपन हो गया है, थोड़ा हल्का लिक्विड काइंड ऑफ तो निकल गया है लेकिन काफ़ी रेड मार्क आ गया है। मतलब वो है ना मीम वगैरह या तो फिर एडवर्टाइजमेंट में टीवी में दिखाता है ना कि अरे इट्स योर बर्थडे सो लेट मी कम विद यू, मतलब मेरा पिंपल भी वैसे ही मेरे साथ मेरे बर्थडे में ज्वाइन करने के लिए आ गया, ये भी सेलिब्रेट करेगा मेरे साथ। ठीक है चलो खाना लगा दो। यस चलो। सो आज लंच में क्या है सर? ज्यादा कुछ नहीं है, वेज के साथ नॉन वेज दोनों बोलो। मतलब वेज के साथ नॉन वेज क्या है? मतलब अंडा नॉन वेज मैं तो कंसीडर नहीं करता हूँ, बट बाकी लोग कंसीडर करते हैं, तो वही आलू भुजिया दाल और उसके साथ अंडा, बॉइल्ड अंडा। यस अच्छा, मतलब सिंपल सा बंगाली लंच, दाल आलू भाजा डिम सेद्दो। बंगाली लंच नहीं है, बाकी लोग भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। खाते हैं हाँ। और घी ले लेंगे है ना? हाँ, हो जाएगा। घी ले लेंगे, हो जाएगा। ठीक है तो दिखा देती हूँ, ये रहा चावल और ये है दाल। कौन सा दाल बनाया? ये मसूर का है। अच्छा, बॉइल्ड एग यहाँ पे है और ये है आलू भाजी। हम लोग वैसे घी वगैरह बहुत कम ही खाते हैं, तो घी इस बार जब सौरभ घर से आया था ना उस टाइम पे मैंने उसको मना कर दिया था कि लेके मत आओ, फिर ना घी वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है और यहाँ पे जैसे अच्छा वाला घी कहीं पे मिलता नहीं है, तो फिर घी ख़त्म हो गया था। ये दुर्गा पूजा के टाइम पे सब गेस्ट वगैरह आए थे ना, रिलेटिव्स आए थे तो खाना वगैरह कुछ स्पेशल बना तो उसमें घी यूज़ हो गया था और घी हो गया था ख़त्म। अब मुझे लग रहा है कि सौरभ शायद दिवाली में जब घर जाएगा उससे पहले तो मुझे घी कहीं पर मिलेगा नहीं। फाइनली बिग बास्केट में ढूंढते ढूंढते मिल गया है बंगाली झोरना घी। ये देखिए यहाँ पे बंगाली में लिखा भी हुआ है झोरना गावा घी। बढ़िया टेस्ट है ना? पता नहीं यार ये मुझे मतलब पता नहीं, ये यूजुअली इधर आता नहीं है, लेकिन पता नहीं ये ओरिजिनल है कि कैसा नहीं, है। नहीं ओरिजिनल है, बंगाली में लिखा हुआ है ना तो ओरिजिनल ही होगा, और स्मेल वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तो दो दिन से हम लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। एक्चुअली स्मेल है, दो दिन से इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा यूज भी किए हैं, अच्छा है, मुझे तो पसंद आया। बाकी मैंने छोटा वाला ही मंगाया कि पता नहीं ओरिजिनल आएगा या डुप्लीकेट आएगा कैसा क्या पता नहीं, तो जब सौरभ जाएगा ना घर दिवाली के टाइम पे तब लेके आऊंगा। हाँ तब तुम थोड़ा ज्यादा करके लेके आना। ठीक है रखो ये चावल में डाल दो। यहाँ पे देखिए गाइस ये मेरा वही पुराना कढ़ाई है जो कि यूज़ करते करते एकदम ब्लैक हो गया था। आप लोग भी दो चार लोग कमेंट किए थे कि कढ़ाई इतना गंदा हो गया है, मुझे भी पता चल रहा था कि कढ़ाई गंदा हो गया है, लेकिन क्या है ना ये एल्युमिनियम का कढ़ाई जो होता है ना इसको मांझने में थोड़ा स्ट्रेंथ लगता है। ठीक है तो दीदी तो जैसे हमारी किचन में जो सिंक है ना वहाँ पे बर्तन मांझती है और वहाँ पे ग्रिप नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ना गाइस ग्रेनाइट बोलते हैं शायद, तो ये ना थोड़ा स्लिपरी काइंड ऑफ है, मार्बल से भी ज़्यादा स्लिपरी है, तो इसके ऊपर ना ये रख के जैसे मांझने जाती है ना ये ऐसे स्लिप हो जाता है, तो दीदी को अच्छे से ग्रिप नहीं मिलते थी मांझने के लिए, तो मैंने दीदी को बोला था कि दीदी ये आप घर पे लेके चले जाओ अच्छे से मांझ के लेके आना। तो दीदी के बिल्डिंग में तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे बालू ईटा सब कुछ रखा हुआ था, तो देखिए दीदी ने कितने अच्छे से स्कॉच ब्राइट से और जाली से ये अपने घर से मांझ के लेके आई है, एकदम नया जैसा हो गया है। अच्छा लगता है, अभी से इससे खाना बनाऊंगी और इसको मेंटेन करने की कोशिश भी करूंगी। वेलकम होम। एटा के दीदी ओदिक थैंक यू।
मैं एकदम से उसको देख के शॉक हो गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो आने वाली है। सौरभ को सब पता था। इसको बोलते हैं सरप्राइज। सीरियसली आई एम टोटली सरप्राइज। वार्डन मैम से दादा भाई का बात करा दिया फिर मैं आई। मुझे लगा था कि वो नहीं आएगी क्योंकि लास्ट दो तीन दिन से मैं उसको बार बार पूछ रही थी कि मेरे बर्थडे में तुम नहीं आओगे बैंगलोर में होते हुए भी तुम नहीं आओगे। वो मुझे कंटिन्यूअसली बोल रही थी कि नहीं मुझे नहीं, मेरा आना नहीं होगा क्योंकि सैटरडे मेरा कॉलेज है, कॉलेज खत्म करने के बाद फिर शाम के टाइम पे जाऊंगी, फिर संडे दोबारा मुझे शाम तक वापस आना है क्योंकि मंडे से कॉलेज है, तो एक दिन के लिए आके और क्या ही करूँ। वो मुझे ये सब कुछ एक्सक्यूजेस दे रही थी क्योंकि मुझे सरप्राइज देना था ना। हाँ, फिर दोपहर के टाइम पे भी जब हमारा लंच वंच सब कुछ हो गया तो फिर मैंने उसको वीडियो कॉल किया। ठीक है, एज यूजुअल वो जब कॉलेज से रिटर्न आती है ना हॉस्टल पे तो मैं एक बार उसको कॉल करती हूँ कि खाना पीना ठीक से किया कि नहीं। उस टाइम पे उसको मैंने वीडियो कॉल किया तो उसने डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, फिर मुझे उसने मैसेज किया कि मैं अभी सो रही हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी वो मुझे बता रही है कि नहीं उस टाइम पे वो ऑटो में थी, मतलब आ रही थी हमारे घर, इसलिए मैं कहीं जान ना जाऊँ इसलिए उसने वीडियो कॉल रिसीव नहीं किया था। तो मैं उस टाइम पे एक्चुअली कुछ काम कर रही थी, मेरा एक मीटिंग भी चल रहा था, शायद आप लोगों ने सुना भी। तो वो मीटिंग करते करते ना मैं अचानक से देख रही हूँ कि कौन आ रहा है भाई सामने से। अभी वीडियो कॉल में मेरा मीटिंग चल रहा था, मतलब मैं वीडियो कॉल में बात कर रही थी, मैं अचानक से सोच रही हूँ कि मैं वीडियो कॉल में कैसे रिएक्ट करूँ और उसको देख के कैसे रिएक्ट करूँ। दोनों एकदम मतलब मिक्स मैच हो गया था। फिर फाइनली मेरा काम वाम खत्म हुआ, लैपटॉप अभी मैंने बंद कर दिया है और उसने भी ड्रेस व्रेस चेंज करके फ्रेश हो गई है। बाहर बारिश हो रही है, बारिश में भीगते भीगते आई है वो ऑटो से। बट थैंक यू सो मच, दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर। मैंने बिलीव ही नहीं किया था कि सर वो आ पाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि दादा भाई ये सीक्रेट रख पाएगा। मुझे नहीं पता था। मैं आप लोगों को दोपहर को ही इतना प्राउड के साथ बोल रही थी ना कि सौरभ इज वेरी बैड एट कीपिंग सीक्रेट्स, लेकिन फाइनली कब से उसने ये बात अपने दिल में दबा के रखा था, सीक्रेट किप करके रखा था, मुझे पता ही नहीं था। जीजा साली की जोड़ी एकदम मस्त है गाइस। चलो थैंक यू सो मच, अब तो मेरा बर्थडे और अच्छा जाएगा। देखो बहन क्या लेके आई है। वही तो देख रहा हूँ। बहन गई थी चिकपेट मार्केट लास्ट वीकेंड उसके फ्रेंड के साथ और देखिए दिवाली के लिए यहाँ पे वो लाइट लेके आई है, बहुत सुंदर है। जलाओ ना, थोड़ा जला के दिखाओ। वाओ बहुत बढ़िया है, यहाँ पे तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, बाहर जब इसको हैंग करूंगी ना तब अच्छे से पता चलेगा। और क्या लेके आए हो? और एक चीज लेके आई हूँ, पिछले बार का वो एंकल खराब हो गया ना। हाँ वो टूट गया था, लेके आए क्या? हम एकदम पाव बाड़ी है उससे अच्छी। एक्चुअली लास्ट टाइम भी जो ये नजर ना लगे इसलिए एंकलेट एक मेरे बहन ने गिफ्ट की थी मुझे, तो वो वाला ना टूट गया, शायद किसी का नज़र लग गया था जिस वजह से वो टूट गया था। अभी बहन ने दोबारा और एक खरीद के लेके आई है, ये देखिए इसमें ईवीलाई है ना। हाँ, उसमें भी तो था पिछले वाले में। हाँ तो पता नहीं कि ये मिथ है या क्या है, ये देखिए दोनों का मैचिंग सिस्टर थिंग्स, पता नहीं ये मिथ है क्या क्या है, लेकिन बोलते हैं कि ये नज़र सुरक्षा कवच या तो फिर ऐसे चीज़ें ना अगर आप पहनते हो और इनकेस अगर आपको नज़र लग जाता है ना तो फिर वो टूट जाता है। अभी पता नहीं कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ, मैं उस बिलीव से नहीं पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये पहनना इसलिए मैं पहनती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था? नहीं, बर्थडे गिफ्ट अभी आएगा। ओह रियली? कल एक आएगा और शायद दो तीन दिन बाद एक आएगा। बाप रे, कितने सारे गिफ्ट तुमने खरीदे हैं। कल मैं और कुछ खरीदने के लिए गई थी लेकिन वो अभी नहीं खरीदना है इसलिए नहीं खरीदी मैं। अच्छा समझ आ गया मुझे क्या खरीदने के लिए गए थे। ठीक है चलो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और क्या चल रहा है किचन में? कुकिंग। क्या चल रहा है कुकिंग? मटन करी। वाओ ये भी तो अनप्लान्ड था यार। तुम लोगों ने कब कब क्या क्या प्लान कर लिए हो? पानी पूरी खाने के लिए गए थे ना। हाँ लेके आ गए। अच्छा एक्चुअली मैं उस टाइम पे कुछ काम कर रही थी तो बहन और सौरभ दोनों गए थे पानी पूरी खाने के लिए और आते टाइम देख रही हूँ कि पैकेट में कुछ तो लेके आए हैं। अभी देख रही हूँ कि मटन लेके आए हैं, तो मटन किसने वॉश किया, तुमने? हाँ। अच्छा और कुकिंग दादा भाई कर रहे हैं। वाह अब आजकल तो तुम गुड बॉय बन गए हो यार। नहीं एक्चुअली लास्ट कुछ दिन से लगातार सौरभ भी खाना वाना बना रहा है, लेकिन आर यू श्योर कि तुम मटन बना पाओगे? हाँ तुम हेल्प कर देना क्योंकि उसने मटन कभी बनाया नहीं, आज फर्स्ट टाइम बना रहा है। क्या कर रहा है ये? अच्छा मसाला जाएगा अभी इसलिए देख रहा है कि प्याज हरी मिर्ची फ्राई हुआ है कि नहीं। हाँ हो गया है, अब मसाला डाल सकते हैं।
आलू भी यहाँ पे फ्राई कर लिया है सौरभ ने नमक हल्दी से। और अभी क्या डाला? दही। अच्छा, दही वाला मटन बना रहे हो? यस। टमाटर नहीं डाला ना? ना। ठीक है, मैं वैसे यूजुअली थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा दही डालती हूँ, लेकिन सौरभ ने टमाटर नहीं डाला, सिर्फ दही से ही बना रहा है। ग्रेवी देखो, अभी तो ये और कलर चेंज होगा ना, इस टाइम पे मस्त लगेगा। मटन भी काफी अच्छा है यार, छोटा मटन था। हाँ, ये लेग देख के ही लग रहा है, लेग का साइज एकदम छोटा छोटा है। और मीटे भी दिया है, दिस इज माय फेवरेट, मुझे भी पसंद है मटन लीवर, बहन को, सौरभ को, सबको पसंद है। तो यहाँ पे ढेर सारा मटन लीवर सौरभ ने एक्स्ट्रा ऑर्डर देके लेके आया है, ये देखिए काफ़ी सारा है। तो बहन तो इसको अच्छे से वॉश कर ही दिया था, तो अभी क्या करना है पता है ना तुमको? यस। क्या बताओ? मटन डालेंगे इसमें। हाँ, मसाला थोड़ी देर और ऑयल छोड़ेगा ना उसके बाद, बहन है ना, दोनों मिलके कर लो। बाय द वे, मेरा किचन से छुट्टी क्यों है? कल तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए। अच्छा, पैम्परिंग स्टार्ट हो गया तुम्हारा। ओह माय गॉड, मेरा बर्थडे वीक में, मतलब एवरी वीक आए, मैं ऐसा चाहती हूँ। सच में बहुत ज़्यादा मैं खुद को ब्लेस्ड और प्रिविलेज्ड और पैम्पर्ड फील कर रही हूँ, पता है। अच्छा लग रहा है। और कितना टाइम लगेगा सर? भूख लग गई है। हो गया एकदम। हो गया? गरम मसाला डाल दिया? यस। खा पाएंगे ना? यस। सौरभ पहली बार मेरे जन्मदिन के मेरे जन्मदिन के अवसर पर बनाया है मेरे लिए मटन। नहीं, मेरे बहन ने भी हेल्प कर दिया है, क्योंकि मेरे बहन को मटन बनाना आता है। तो चलो खाना लगा दूँ? यस। चावल भी बन के रेडी है। और तुम्हारा स्पेशल सैलड कहाँ गया? कहाँ लेके आओ, लेके आओ, दिखाते हैं। ये देखिए, ये लच्छेदार सलाद। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो मैं चावल सर्व कर लेती हूँ। मटन सच में इतना बढ़िया बनेगा मैंने सोचा ही नहीं था, है ना? बहुत अच्छा हुआ था, बहुत। मुझे लगा था कि सौरभ इतना महंगा। हाँ, ये देखिए, मैंने ना वो टेस्ट इतना अच्छा था कि पिक्चर वगैरह लेना ही भूल गई, खाना खा लिया मैंने फटाफट से। और जस्ट अभी अभी खाना ख़त्म हुआ है, टाइम अभी हो रही है 11:15 ना, आज काफ़ी लेट हो गया खाना खाने में। यूजुअली आजकल मैं इतना लेट करती नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, खाना खाते खाते इतने बातें बातें कर रहे थे, ऐसे रोज़ बना के खिलाओ, ठीक है? मैंने सोचा था कि इतना महंगा आता है ना मटन, तो सौरभ के हाथ में दूंगी, पता नहीं उसको तो वो बर्बाद कर देगा, कोई भी हम लोग अच्छे से खा नहीं पाएंगे। ट्रस्ट मी, लुक भी जितना अच्छा आया है और टेस्ट तो उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ के था। उफ, अभी भी मेरे मुंह में ऐसा लग रहा है ना कि वो टेस्ट अभी भी मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट कब बना के खिलाओगे? देखते हैं। सच में बहुत बढ़िया बना था। और अभी अभी जस्ट मुझे डोर बिल भी सुनाई दिया है, कोई इतने रात को तो आया था, लेकिन कौन आया था ये मुझे पता नहीं चल रहा है। आया था, मैंने भगा दिया, क्योंकि मुझे उस साइड में, मतलब गेट के उस साइड में जाने नहीं दिया गया, मैं इधर ही थी, तो वो दोनों भाग के गए। एक दरवाजे पे, शायद सौरभ दरवाजे पे खड़े होकर पहरा दे रहा था कि मैं बाहर ना आ जाऊँ, और मेरे बहन गया था गेट में। तो कुछ तो आया है, तो क्या आया है वो मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, तो सरप्राइज़ है। ठीक है, चलिए सरप्राइज ही रहने देते हैं अभी। और आधा घंटा 40 मिनट ही अभी बाकी है सरप्राइज़ डिस्क्लोज होने में। 12 बजे तो पता चल ही जाएगा, अगर मैं जो गेस कर रही हूँ अगर वो हुआ गेस तो मुझे लग रहा है केक आया होगा। नहीं, केक क्यों आएगा? नहीं, बर्थडे में यूजुअली लोग केक ही मंगवाते हैं ना। किसका बर्थडे है? शट अप। तो ठीक है, चलिए, ढेर सारा सस्पेंस के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को मैंने सुना है कुछ खुसुर पुसुर करने के लिए, कल के लिए वो लोग कुछ प्लान बना रहे थे, जो कि जब भी मैं आई तो उस टाइम पे वो लोग चुप हो गए, ठीक है, शांत हो गए, तो मेरे सामने डिस्कस किया नहीं है वो लोग, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या प्लान है, लेकिन इतना पता चल गया कि कुछ तो प्लान है, कुछ तो गड़बड़ है। दया, पता लगाओ, कल ही पता चलेगा। तो ढेर सारे सस्पेंस मेरे माइंड में भी अभी है, और आप लोगों को भी थोड़ा सा सस्पेंस में रहना ही पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मुझे खुद भी कुछ पता नहीं है, तो आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, सो जाती हूँ, और कल सुबह सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ, मेरे बर्थडे स्पेशल ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल। यस, बाय बाय, गुड नाइट।